जहाँ तक मड़ुआ की बात है तो हमारे प्रदेश झारखंड में इसके उत्पादन और मूल्य संवर्धन की असीम संभावनाएं हैं। इस वर्ष जो हम लोग मिलेट वर्ष के रूप में मना रहे हैं, मड़ुआ और मोटे अनाज पर खासकर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। झारखंड में इसकी बहुत अच्छी संभावनाएं हैं उत्पादन की भी, साथ ही साथ मूल्य संवर्धन की भी। तो रागी की खेती तो हम लोग खरीफ सीजन में मेन रूप से मुख्यतः करते हैं, और इसके लिए ये ऐसा फसल है जो कि 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में बहुत आराम से उपज दे सकता है, और पठारी भूमि में काफ़ी अच्छा इसका उत्पादन हम लोग ले सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा उर्वरक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और किसी भी विषम बहुत सारी, जैसे कि जो अगर हम लोग बात करें अधिक तापमान, अधिक बारिश, इन सबको भी झेलने की क्षमता इसमें ज़्यादा होती है। तो ये और मड़ुआ को हम लोग देखें तो यह हमारे राज्य की परंपरागत फसल भी है, और ख़ासकर इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो भारत देश की है, तो इसलिए इसकी खेती हो या मूल्य संवर्धन की बात करें काफ़ी अच्छे ढंग से हम लोग कर सकते हैं। और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि मड़ुआ पोषण से भरपूर है, इसमें अगर हम लोग कैल्शियम की बात करें तो 100 ग्राम अगर मड़ुआ खाते हैं तो 344 मिलीग्राम कैल्शियम सबसे ज़्यादा इसमें उपलब्ध होता है। साथ ही इसमें फास्फोरस है, आयरन है, और एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, फाइटोकेमिकल्स मिलते हैं, इसकी वजह से यह कई प्रकार की बीमारियों से भी हमें रक्षा करता है। जैसे कि ये जो ब्लड शुगर होता है उसको नियंत्रित करने में काफ़ी सहायक होता है। दूसरी चीज़ है, इसे इसीलिए इतने गुणकारी होने के वजह से इसे स्मार्ट मिलेट्स की भी संज्ञा दी गई है। इनसे बने हुए उत्पाद काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होंगे और वो पोषण सुरक्षा या खाद्य सुरक्षा में हमें बहुत मदद कर सकते हैं। मड़ुआ का प्रसंस्करण करने पर हम उससे भी कई तरह के खाद्य पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो मड़ुआ से हम आटा प्राप्त कर सकते हैं, जिसे रोटी और कई तरह के केक, कुकीज, बिस्कुट, हलवा और लड्डू बना सकते हैं। फिर हम इससे माल्टा भी तैयार कर सकते हैं। ये सब खाने में काफ़ी पौष्टिक होते हैं और शरीर के लिए लाभदायक होते हैं।